हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा जी क्रिएटिव। तो जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि सुशांत के फादर ने रेहा और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और कई बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। पटना पुलिस जो कि इस वक्त मुंबई में इस केस की जांच कर रही है और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं जो कि आप खबरों में फ्लैश हो रहे हैं और आप लगातार उनको देख भी रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस जो कि 45 दिनों से इस केस की सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला, जबकि कई अहम चीजें सामने थी, पर मुंबई पुलिस इसको किसी और ही डायरेक्शन में ले जा रही थी, यहां तक कि इस केस को बंद करने की भी तैयारी थी। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकले और सुशांत का क्रेडिट, डेबिट कार्ड और लैपटॉप भी रिहा के पास था, तो क्या मुंबई पुलिस को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए थी? ऐसा लग रहा है जैसे ये केस, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुई है। अब मैं आपसे एक अहम बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि सुशांत के परिवार वालों ने फरवरी में ही मुंबई पुलिस को सूचित कर दिया था कि सुशांत को धमकियां मिल रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको, उनकी जो संगत है वो सुशांत को उनके परिवार से काट रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने ना तो उस वक्त कुछ किया और ना ही उनके मरने के बाद कुछ कर पाई है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, गंभीरता से लिया ही नहीं, इसका तो यही मतलब हुआ ना। तो क्या वजह है इसके पीछे, किसके इशारों पे पुलिस ये सब कर रही थी और जांच को भटका रही थी? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी भी जांच होनी चाहिए? तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी होपफुल। थैंक यू।